हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएसएमई डिलेड पेमेंट से रिलेटेड। अगर आप ऐसे एमएसएमई एंटरप्राइजेस को डिलेड पेमेंट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो उस केस में आपका जो खर्चा है रिलेटेड टू एमएसएमई एंटरप्राइजेस वो डिसअलाउ हो जाएगा। एंड जिस साल भी आप उसको पे करोगे उस साल ही डिडक्शन मिलेगा। पर इसमें कुछ क्रेडिट पीरियड भी है, इसको हम डिटेल में देखेंगे वीडियो में। एमएसएमई एंटरप्राइजेस के लिए ये नया चेंज नहीं आया है। इससे पहले कंपनीज एक्ट में भी उनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि अगर आप ऐसे एमएसएमई को पे नहीं करते, कोई कंपनी है वो एमएसएमई एंटरप्राइजेस को पे नहीं करती है, तो शेड्यूल टू में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर देना रहता है, और अगर आप डिलेड पेमेंट करते हो तो विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये एमएसएमई एक्ट में ही लिखा है। बट इनकम टैक्स में बजट 2023 में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं। बड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हर बिजनेसेस को बहुत ही यूज तरीके से इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसके कारण टैक्स लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी? बजट 2003 में सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है जो एमएसएमई से रिलेटेड। अगर आप एमएसएमई एंटरप्राइजेस को डिलेड पेमेंट करते हैं, जिस साल पे करोगे उसी साल डिडक्शन मिलेगा। आप डिलेड पेमेंट कैसे पता चलेगा? डिलेड पेमेंट तो कोई लिमिट होगी तभी तो पता चलेगा डिलेड है कि नहीं है। तो डिलेड पेमेंट हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो चेंज क्या आया है, डिसअलाउंस फॉर डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये चेंज आया है बजट 2023 से। अब सेक्शन 43B में क्लॉज H ऐड कर दिया गया है और इसका इफेक्ट हमारा इसी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी में आएगा। तो अभी भी ध्यान दे, अगर आपके कोई क्लाइंट है जिनके क्रेडिटर्स एमएसएमई है तो फटाफट से उनको पेमेंट करवा दे, जैसे कि डिसअलाउंस अट्रैक्ट ना हो। बट अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके कोई क्रेडिटर्स है एमएसएमई के, तो ध्यान रखें उनको आप टाइमली पे कर दें। टाइम क्या है पेमेंट का? तो टाइम बताया गया है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। सेक्शन 15 में जो भी पीरियड बताया है उसका आपको ध्यान रखना है और उसी के उस पीरियड के अंदर अंदर ही एक एमएसएमई एंटरप्राइजेस को पे करना है। सेक्शन 15 में बताया गया है जहां पर एक एंटरप्राइज जो कि एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट है, तो 45 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड देखना है कि मैक्सिमम 45 डेज से ज्यादा का क्रेडिट पीरियड ना हो। उसके अंदर ही आप एग्रीमेंट में भी जो क्रेडिट पीरियड मेंशन करें वो अप टू 45 डेज ही करें। जहां पर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो वहां तो और कम पीरियड है, वो है 15 डेज। 15 डेज के अंदर अंदर आपको एमएसएमई क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है उस एंटरप्राइजेस से। अगर आप इन दो पीरियड जो मैंने 15 और 45 बताया उसके अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हैं और वो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2024 तक, तो उससे आपने जितने भी परचेज किए हैं या सर्विसेज लिए हैं और उसको पीएनएल में आज खर्चा बुक करा है तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो ध्यान रखें 31 मार्च 2024 तक सबसे पहली बात आउटस्टैंडिंग है, दूसरी बात उसका जो ये 45 डेज और 15 डेज है वो खत्म हो गया है। अगर कोई ऐसे क्रेडिटर्स है जिनका 45 डेज खत्म ही नहीं हुआ बट वो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2024, उनकी बात नहीं चल रही है, उसका एडिशन नहीं होगा, उसको इनकम ट्रीट नहीं की जाएगी अगर वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग उन्हीं एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं जिनका 45 डेज का पीरियड खत्म हो गया है या 15 दिन का पीरियड खत्म हो गया है और वो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2024। तो उनका उनसे रिलेटेड जो भी आपने परचेज किया या सर्विसेज किया उसको इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। अब ये कैसे इफेक्ट करेगा बिजनेसेस को, ये हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। कोई परचेज करी है 1 करोड़ की और वो एमएसएमई एंटरप्राइज से की है, 45 डेज का क्रेडिट पीरियड भी खत्म हो गया है और वो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2024, कोई भी पेमेंट नहीं हो। अब आप ये सोचे कि 1 करोड़ को इनकम मान ली जाएगी, 1 करोड़ इनकम मान ली जाएगी तो मैक्सिमम जो टैक्स रेट है इनकम टैक्स है वो 30% है।
30% के हिसाब से जो अप्रोक्सीमेटली टैक्स बनेगा वो 32-35 लाख बनेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे इफेक्ट किया करेंगे एक बिजनेस को। इसलिए अभी भी समय है, 3 महीने जिसमें से जनवरी भी जाता जा रहा है, तो आप अभी से ऑडिट स्टार्ट कर दे अपने क्लाइंट्स का, या फिर आपके आप ही बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो आप अपने क्रेडिटर्स देख लें, एमएसएमई क्रेडिटर्स कौन कौन है और कौन से आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो पे कर दे, बट पे करना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस सेक्शन ये जो प्रोविजन आया है ये थोड़ा सा डेंजरस है, इसके कारण आपकी टैक्सेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप अभी रिटर्न के टाइम पे इसको डिस्क्लोज नहीं भी करते तो कभी भी असेसमेंट होगा या किसी एमएसएमई का असेसमेंट होगा और वहां से क्रॉस वेरिफिकेशन होता है तो आपको विद इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। इस प्रोविजन को लेके काफी रिप्रेजेंटेशंस गए हैं मैडम के पास कि ये बहुत हार्श प्रोविजन है फॉर बिजनेसेस, क्योंकि इससे क्या है कि इससे एक तरह से क्या डिस्करेज भी हो सकते हैं लोग कि एमएसएमई से खरीदे ना, क्योंकि उनको समय पे 45 डेज बहुत ही कम क्रेडिट पीरियड होता है कुछ बिजनेसेस में, तो 45 डेज के अंदर अंदर ही पेमेंट करना पड़ रहा है, तो एमएसएमई से ही खरीदने को अवॉइड कर सकते हैं ऐसे प्रोविजन लाके। तो इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करे जैसे कि एडवर्स इफेक्ट ना हो, अदरवाइज ये प्रोविजन बहुत अच्छा है क्योंकि जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको कहीं ना कहीं तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में भी प्रोटेक्शन मिला है, अब इनकम टैक्स में प्रोटेक्शन मिल रहा है, जीएसटी में भी प्रोटेक्शन है। अब माइक्रो स्मॉल कौन सी कंपनीज हो सकती हैं, तो आपको अपने क्रेडिटर से पूछना है कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो फर्म्स होती हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में अप टू 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ हो। स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक होना चाहिए, टर्नओवर का 50 CR तक होना चाहिए, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं। कोई भी फर्म एमएसएमई हो सकती है, टेक्सटाइल यूनिट, वीविंग यूनिट, एम्ब्रॉयडरी यूनिट, निटिंग यूनिट, गारमेंट यूनिट, डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट, सीए फर्म, साड़ी बॉक्स मैन्युफैक्चरर, रैपिंग, ट्विस्टिंग, वैल्यू एडिशन यूनिट, ये सभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस डेफिनेशन में आती हैं। तो आप देख लें कोई क्रेडिटर्स ऐसे आउटस्टैंडिंग हैं जो कि एमएसएमई हैं तो उनका जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि वो आपको रिवर्स करना पड़ सकता है अगर आपने पेमेंट नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि हमारा सेक्शन 43B है वो पेमेंट सेक्शन है, जब भी आप पेमेंट करते हैं तभी आपको डिडक्शन मिलता है। कुछ ऐसी चीजें बताई हैं ए से लेके एच तक कि आपको पेमेंट बेसिस पे ही उसका डिडक्शन मिलेगा। एक तो ये मैंने आपको एमएसएमई क्रेडिटर्स का पेमेंट बताया, एक और है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का, जो कि अभी तक हम देखते आए हैं साल दर साल कि जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर वो रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले जमा नहीं होता है या साल के अंदर जमा नहीं होता है तो वो उसी साल आपको डिडक्शन मिलता है जिस साल आपने उसको पे किया है। अगर फाइनेंशियल 23-24 की बात करें तो इस साल फाइनेंशियल 23-24 में नहीं पे किया आपने, 24-25 में पे किया, तो आपको डिडक्शन 24-25 में मिलेगा। इनकम मान ली जाएगी 23-24 की। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, ये बिजनेसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।